नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। मच्छर से होने वाली बीमारियों में से घातक बीमारी डेंगू भी है। इन दिनों डेंगू का बुखार चरम पर है। देश भर में हर बड़े छोटे शहरों में डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी के कारण मरीजों की मौत की भी संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस मॉस्किटो बोर्न डिजीज से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए डेंगू का बड़ा खतरा है। वहीं इस मामले पर हमारे प्रयागराज संवाददाता ने विशेषज्ञ से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। डेंगू एक तरह का वायरल फीवर है और जो विशेषकर मच्छरों से फैलता है, और चूंकि हमारे देश में या लोकल एरियाज में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मच्छरों की तादाद काफ़ी है, जिसकी वजह से ये सभी लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो इसके कॉम्प्लिकेशन को झेल जाता है, पर प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण है कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट की कमी और दूसरा हम लोग की TLC बहुत फॉल कर जाती हैं। औरैया में दीपावली के बाद भाई दूज पर काफी भीड़ दिखाई पड़ रही है। वहीं अपने मासूम बच्चों के साथ कुछ लोग बाइकों से सफर करते हुए नजर आए, लेकिन उनके पास सेफ्टी के रूप में हेलमेट नजर नहीं आ रहा है। बाइकों पर मासूम बच्चों को बैठाकर बिना हेलमेट चलाते नजर आ रहे हैं। मेधुना नगर के भगत सिंह चौराहे पर बाइक चलाने वालों की लापरवाही दिखाई पड़ रही है। भगत सिंह चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेकिंग की गई, पुलिस की ओर से चालान भी किया गया। वहीं कुछ लोग हेलमेट को साइड से लटका कर मासूम बच्चों के साथ पत्नी को बैठाते हुए भी नजर आए। फिर कैसे आप हिदायत दे रहे हैं? जैसे नहीं, आप जल्दी में भूल आए, फैमिली बैठाए, इनकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे? हेलमेट लगाना चाहिए ना आपको, हेलमेट लगाना चाहिए ना आपको। आप समझा रहे हैं, आपकी सुरक्षा को लेके समझा रहे हैं। यहाँ जो चेकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपको लोग देखने को मिल रहे हैं हेलमेट ना लगा के? कुछ लोग ऐसा है जो हेलमेट हाथ में लेके जाते हैं, उनको हिदायत दी जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं। फिर कैसे आप हिदायत दे रहे हैं? जैसे हिदायत दी जा रहा है कि भाई हेलमेट लगा के चले, इसमें आपकी सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट बहुत आवश्यक है। लखनऊ में दिवाली के दिन इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के खुलासे के लिए भले ही लखनऊ पुलिस 5 टीमें लगाई हो, लेकिन लखनऊ पुलिस इस मामले का खुलासा करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, जिसमें कई संदिग्ध महिला और पुरुष भी शामिल हैं। पुलिस एक टीम की सुल्तानपुर भी पहुंची, जहां पर महिला से पूछताछ हुई, लेकिन अब इस मामले पर पुलिस कार्रवाई की सुई मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी की ओर घुमा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस घटना के पीछे कई पहलू सामने आ रहे हैं। कुछ महीने पहले इंस्पेक्टर को एक दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने का भी मामला है। वहीं इस हत्या के खुलासे को लेकर लखनऊ पुलिस जेल में बंद बदमाशों से भी कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। DCP ADCP कृष्णानगर थाना पर खुद मौजूद रहकर मामले पर बारीकी से जाँच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। PAC में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 24 घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक वो शूटर नहीं लगे। घर की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर सतीश कुमार सिंह अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। दीपावली में प्रयागराज से छुट्टी पर घर आए हुए थे, उस दौरान परिवार के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर राजाजीपुरम गए। वहाँ से जैसे ही वापस लौटे, उसी दौरान इसी घर के गेट पर ही उनकी गोली मारकर हत्या की गई। हत्या करने के दौरान जब यहाँ से शूटर भागा, उस शूटर को फिलहाल किसी ने नहीं देखा। तस्वीर आपके सामने है, ये क्राइम सीन है जहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिख रही होंगे, ये गवाही दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल की बात की जाए, पुलिस टीम पूरी तरीके से लगी हुई है। 5 टीमें अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, जिससे कि शूटरों तक पहुंचा जाए। घर के अंदर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, घर के अंदर भी पुलिस फोर्स पूरी तरीके से है। इस मामले में STF की टीम भी लगी है, जिससे कि जो बदमाश है बदमाशों तक पहुंचा जाए। उसके साथ ही अगर बातचीत की जाए कि जिस तरीके से इस मामले में एक सर्विलांस टीम अलग काम कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम अलग काम कर रही है शूटरों तक पहुँचने के लिए, जिस तरीके से घटना के कई तार इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सूत्रों के मामले से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें यह बताया गया कि लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन पूछताछ में अभी पुलिस
किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन दावा जरूर ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो शूटर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना के खुलासे के लिए जो टीम लगी हुई है, अब एसटीएफ ने भी इसका मोर्चा संभाला हुआ है और एसटीएफ भी इस मामले में जांच पड़ताल करने के साथ ही जो संदिग्ध हैं उन संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और इसके साथ ही जो दावे ये किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जेल में भी जो संदिग्ध जो शूटर हैं उन शूटरों को भी कहीं ना कहीं रडार पर लेते हुए उनसे भी पूछताछ हो रही है कि आखिर कहीं ये कड़ी जिला जेल के शूटरों से भी तो नहीं जुड़ी हुई है। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस घंटे का घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि आखिर जो शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। बहराइच में एक ग्रामीण के मकान में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं राजस्व निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। गांव के लोगों ने मिलकर आग बुझाया। आग लगने से 50,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना ग्राम प्रधान ने तहसील को दी। राजस्व निरीक्षक राम मनोहर ने बताया कि तहसील को रिपोर्ट भेज दी गई है, जल्द ही नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। और अया नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिलाएं समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटनास्थल पर घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये घटना खान शाहजहांपुर चिरकुआ की है। सूचना मिली है कि खानजाम चिरकुआ गांव है, वो नल की कुछ नल को लेकर विवाद में कुछ दो पक्षों में झगड़ा होकर आया है और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस वहाँ आए हुए हैं। तो उनके मेडिकल वर्कशॉप चल रहा है, उनका मेडिकल जो सीरियस कंडीशन है उनको रेफर कर दिया जाएगा, बाकी जो है ठीक होने लगे वही मेडिसिन देकर के रूम। हम धान काटने जाते हैं, इनके लड़के पीछे लड़ाई होती है, इनके लड़के पीछे लड़ाई होती है। हमने कुड़िया नहीं पहचानते, सोचते हम बात हम लोगों को गिना ही तेरे जी हम लोग मारा लगे थोड़ा चला देंगे थोड़ा लगो तो मैं कहीं तो हमारे को पहले दो जा। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? इनकी नल के पीछे भैया भैया रोज थी काय के पीछे नल के नल में पानी नहीं भरा नहीं पर और रोज मेरे को अरे हमको। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं उसका साथी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग लुटेरे हैं और इनके कब्जे से बाइक, कंट्री मेड पिस्तल और इलाके से मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक इतिहास पता कर रही है। आज भोर में लगभग 4:15 बजे हल्का प्रभारी कौशाम्बी रोज की तरह गश्त पर थे, तब उन्हें सामने से एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उस पर सवार दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने हल्का प्रभारी कौशाम्बी के ऊपर फायर किया, फायर करके वह भागे। तत्काल इसकी सूचना हल्का प्रभारी कौशाम्बी ने थानाध्यक्ष कौशाम्बी और सेट के माध्यम से अन्य लोगों को दी। इसके उपरांत जब थानाध्यक्ष कौशाम्बी साथ में ICOP वैशाली भी उनका पीछा करने लगे हल्का प्रभारी कौशाम्बी के साथ, तो 2/3 की पुलिया पे जो कच्चा रास्ता जाता है वहाँ पे लोगों ने उनकी घेराबंदी की। घेराबंदी के उपरांत जब उन्होंने उनको पुनः रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने दोबारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। बहराइच में डीएम के आदेश पर एक महीने बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव निकलवाया गया। मृतक की पत्नी ने जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों ने शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था। मृतक हमजा की पत्नी रिजवाना बेगम ने पति को जहर खिलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दरअसल दोनों युवक अपने अन्य साथी के साथ दवाई लेने के लिए गए थे। इसी बीच रास्ते में तेज रफ्तार पिकअप डाला ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। चिकित्सकों ने नंदराम और शिवम को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार व्यक्ति थे जो कि पंडरवा की तरफ जा रहे थे और पिकअप डाला से टक्कर होने में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको CSC पियानी ले आया गया। वहाँ पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, एक गंभीर अवस्था में हरदोई जिला चिकित्सालय के लिए रेफर है।
दो मृत व्यक्तियों के नाम नंद कुमार और शिवम है। ये दोनों पंडरवा के रहने वाले हैं। उम्र करीब इनकी 22 से 23 वर्ष है और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ में चलती हुई कार पर आतिशबाजी रखकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गाजियाबाद के थाना वेब सिटी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गाड़ी पर स्काई शॉट रखकर रील बनाई जा रही है। गाड़ी के पास अन्य वाहन वहां से गुजर रहे हैं, ऐसे में चलती हुई सड़क पर गाड़ी की छत पर स्काई शॉट रखकर चलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन गाड़ी की पहचान करने में जुट गई है। प्रयागराज में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर से गंगा पार क्षेत्र लहूलुहान हुआ है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के छबिलाहा गांव में दीपावली पर डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट के दौरान अधेड़ बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अलिन कुमार की मौत हो गई। पुलिस की ओर से पीड़ितों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। पारिवारिक विवाद में श्री अनिल श्रीवास्तव पुत्र प्रेम कुमार को उन्हीं के भतीजे द्वारा चाकू से पेट पे वार किया गया है। सूचना मिलने पर मजरूह को अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए और तहरीर परिवार द्वारा तहरीर प्राप्त कराई गई पुलिस को। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और नामजद चारों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इलाज के दौरान मजरूह अनिल श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में लगातार अज्ञात लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में एक बार फिर से नदी में अज्ञात किशोरी का शव मिला है, जिसके वजह से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर किशोरी के शव का बारीकी से परीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सलोन थाना के अंतर्गत नायन गांव पड़ता है, सई नदी जहां से निकलती है, तो इस पार जो है एक आज सुबह ये डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग मौके पर हैं। जिस तरह से डेड बॉडी देखने में लग रही है, बहुत पुराना शव है और शव की जो दशा है, जिस तरह से डीकम्पोज है, तो उसकी आयु और लिंग का निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता। PM के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता। आगरा में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। दो दिन पहले रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट की घटना हुई। फतेहाबाद रोड के मॉलिक्यूलर क्लब में महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई। दरअसल मैनपुरी से आगरा एक परिवार मॉलिक्यूलर क्लब पहुंचा था। परिवार की महिलाओं के साथ शराब के नशे में धुत युवकों ने अभद्रता और मारपीट की। इन दोनों घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। इस घटना पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खासकर कि उत्तर प्रदेश और आगरा की अगर हम बात करें, क्योंकि आगरा एक ताजमहल की वजह से जिसका एक नाम है, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, वहां पर इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है जो गैंगरेप का मामला सामने आया था और उसके तुरंत बाद ये घटना मॉलिक्यूल की भी है, जहाँ पर इस तरह की एक घटना हुई। तो कुल मिला के सारा जो मामला है वो शराब को लेकर के है। शराब का सेवन होता है दिन और रात दोनों। रात में, क्योंकि दिन में थोड़ा सा पुलिस चौकन्ना रहती है, मगर रात में क्या होता है, ये सारे खुली तरह से शराब का सेवन करते हैं। शशक सेना है। आगे में महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, कैसे देखती हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विडंबना है और बिल्कुल शर्मनाक घटनाएं जो इस तरह की वारदात महिला बच्चियों के साथ हो रही है। एक तरफ सरकार सुरक्षा रक्षा की बात करती है, महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मगर मैं समझती हूँ कि आगरा प्रशासन की नाकामी है। एक होटल के अंदर एक परिवार से मारपीट और अभद्रता कर रहे हैं। जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह वीडियो ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित मॉलिक्यूल रेस्टोरेंट का है और इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। 4 अभियुक्त जो इस घटना में इन्वॉल्व थे और इस वीडियो में भी दिख रहे हैं। कैसे अभी आजकल जो देखने के अंदर में आ रहा है, जो कि एक आगरा वर्ल्ड फेमस शहर है, जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोग आगरा घूमने के लिए आते हैं ताजमहल की वजह से, वहाँ पर किसी भी ऐसी गतिविधि का होना, इस तरीके की घटना होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर में बड़ा प्रेशर चिन्ह लगाता है। इस बात को लेकर के व्यापारियों के अंदर में भी बहुत चिंता है,
जो लोग आगरा के अंदर में टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो होटल व्यापारी हों, चाहे गेस्ट हाउस चलाने वाले लोग हों, या जिस तरीके से आगरा के अंदर में बहुत सारे बार बने हुए हैं जिन ताजनगरी आगरा में महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दो दिन पहले भी स्टे होम में एक युवती के साथ चार युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ताज़ा मामला ताजनगरी आगरा के मॉलिक्यूल क्लब का है। वहां पर मैनपुरी से घूमने आए परिवार की महिलाओं के साथ कुछ मनचलों ने हद दर्जे की बदतमीजी शुरू कर दी। हालांकि आगरा पुलिस ने दोनों ही घटनाओं में कार्रवाई की है। दुष्कर्म वाले मामले में आगरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं मॉलिक्यूल में हुई घटना पर भी आगरा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं ताजनगरी आगरा में लगातार हो रही महिलाओं के साथ घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के वादे और दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा पुलिस कब तक ऐसे मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। बुलंदशहर में छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पथराव और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। चौकी प्रभारी मोहसिन अहमद ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक घायल को अपने कंधे पर डालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्यवाही में जुट गई है। शाम के समय थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत कस्बा जहांगीराबाद में मोहल्ला गोसायान में एक वर्ग के दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। उक्त प्रकरण की प्राथमिक जांच कर यह ज्ञात हुआ कि सुमित कुमार नामक एक व्यक्ति जो शराब के नशे में था, उसके द्वारा एक नाबालिग भाई बहन एवं उनके पिता के साथ मारपीट की गई एवं गाली गलौज की गई। इसके रिटेलिएशन में पिता के द्वारा सुमित कुमार को अपने घर में रस्सी से बांध दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची एवं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज चल रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।